हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से नया वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 10 न्यू ट्रिक्स। आज के वीडियो भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। वीडियो में बहुत सारे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने डाली है। सोचिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर वन से, और हमारी ट्रिक नंबर वन को करने के लिए आपको आना है रिमना विलेज में। रिमना विलेज में आपको आना है इस वाले हाउस के पास। सो इस वाले हाउस के पास आप देख सकते हो मेरा जो फ्रेंड है यहाँ पर कैसे पूरा का पूरा जमीन के नीचे गया है। सो आप भी इस तरह से जा सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको चाहिए एक लंबरगिनी कार, इसको लेकर आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको जाना है हाउस के नीचे। और हाउस के नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रमोन करके इस तरह से जो है लेट जाना है। और इसके बाद आपको अपने फ्रेंड को बोलना है आपको पीछे से गाड़ी से धक्का दे। आप ऐसे भी जा सकते हो जमीन के नीचे, बट अगर आप ऐसे नहीं गए फिर जो है आपको यहाँ पर सिंपली अपनी जॉयस्टिक को पकड़ के यहाँ पर अपने जो है गेम को एक सेकंड के लिए मिनिमाइज कर देना है। फिर आप इस तरह से पूरा जमीन के नीचे चले जाओगे और फिर आपको यहाँ पर जो है कोई भी ना तो देख पाएगा ना ही आपको कोई किल कर पाएगा। तो यहाँ पर बैठकर आप इजीली अपने रैंक को पुश कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर सर्वे वगैरह कर सकते हो। बाकी जब आपको यहाँ से बाहर निकलना हो चाहे तो गाड़ी में एंटर करके भी बाहर निकल सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर गाड़ी नहीं है फिर भी आप बाहर निकल सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको जॉयस्टिक को पकड़ना है, फिर आप इजीली बाहर भी निकल जाओगे। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहे बाइक, तो पहले मैं यहाँ पर चला जाता हूँ जोन के बाहर। पहले आप देख लो जोन के बाहर हमें डैमेज पड़ता है, ये आप सभी को भी पता ही है। चाहे आप गाड़ी में रहो या ऐसे यहाँ पर मतलब ऐसे ही जोन में रहो तो आपको जो है डैमेज फिर भी पड़ता रहता है। बट यहाँ पर देखो मैंने भी यहाँ पर बाइक को कैसे सेट किया है, इस तरह से आपको भी अपनी बाइक को जो है सेट कर देना है। और अब देखो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा जोन के बाहर हूँ। जोन का एनिमेशन भी दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जोन के बाहर ही बैठा हूँ। मुझे यहाँ पर डैमेज भी पड़ रहा है, बट अगर आप मेरे हेल्थ पे ध्यान से देखोगे मेरा हेल्थ जो है थोड़ा सा भी माइनस नहीं हो रहा। मतलब मैं जोन के बाहर हूँ फिर भी मुझे डैमेज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहे पानी की गाड़ी। सो पानी की गाड़ी को लेकर आपको आना है पहले पानी में। पहले आप ट्रिक को देख लो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिक को कैसे करना है। सो यहाँ पर देखो मेरा जो फ्रेंड है पर गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और ये भी जो हाउस बोट बनी पड़ी है। मतलब ऐसा जो इसके जो टायर है ना ये पानी में ऐसे होते हैं, बट यहाँ पर मैं चला रहा हूँ इसको जमीन के ऊपर और फिर भी जो इसके टायर इस तरह से है जैसे लग रहा है ये हाउस बोट है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पानी में चल रही हो। सो आप भी इस तरह से इसके टायर कर सकते हो, बट ये आपके फ्रेंड को ही दिखता है। तो अगर आपको ये फ्रेंड को दिखाना है फिर आपको जाना है पहले पानी की गाड़ी को लेकर पानी में। और पानी में आने के बाद आपको इस तरह से गाड़ी को यहाँ पर सेट करना है। इस तरह से गाड़ी को सेट करने के बाद आपको सिंपली नेट को यहाँ पर जो ऑफ और ऑन कर देना है। सो नेट को ऑफ और ऑन करने के बाद आपको सिंपली जाना है यहाँ पर इस तरह से गाड़ी को ले जाना है आपको सड़क के ऊपर, मतलब जमीन के ऊपर। और जैसे आप गाड़ी को यहाँ पर लाओगे आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, मतलब गाड़ी नॉर्मल है। बट यहाँ पर जो भी एनिमी रहेगा, आपका फ्रेंड रहेगा, सबको ये वाला ट्रिक दिखेगा, टायर उस तरह से उसको दिखेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना संतोषा में इस वाले ब्रिज के पास पोचिनॉक की साइड आपको इस वाले ब्रिज के पास आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो फ्रेंड है यहाँ पर कैसे पूरा का पूरा इस वाले ब्रिज के अंदर गया है, वो भी लंबरगिनी कार से। सो इस वाले ट्रिक को करने के लिए बस आपको इस तरह से अपनी गाड़ी को जो है सेट करना है, फिर आपको गाड़ी में यहाँ पर एंटर या तो ड्राइव करना है और यहाँ पर गेट आउट कर देना है। और फिर आप जैसे यहाँ पर गाड़ी से गेट आउट हो जाओगे आप चले जाओगे इस तरह से आधा इस ब्रिज के अंदर। और अंदर जाने के बाद आप जो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैड हो जाओगे। सो यहाँ पर बैठकर आप इसलिए जो है रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो, यहाँ पर सर्वाइव भी कर सकते हो। और आप जो है थोड़े से यहाँ पर बाहर भी रहोगे तो अगर यहाँ पर पीछे से कोई एनिमी भी आता है बस आपको पीछे की ओर यहाँ पर एम करना है, फिर आप इजीली एनिमी के ऊपर अगर फायर भी करोगे आपका जो एनिमी है वो यहाँ पर इजीली मर भी जाएगा, प्लस आप एलिमिनेट भी नहीं हो जाओगे। और इसके बाद जब आपको यहाँ से बाहर निकलना हो चाहे तो गाड़ी में एंटर या ड्राइव करके भी बाहर निकल सकते हो, चाहे तो नॉर्मली भी यहाँ पर जॉयस्टिक को पकड़ के भी बाहर निकल सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको जाना है इस वाले मोड में। सो रश आवर मोड में आने के बाद आपको चाहिए ये हुक गन, हुक गन को आपको लेना है और यहाँ पर आपको आना है बीमा शक्ति के टावर के अंदर। और यहाँ पर आपको पहले इस तरह से एक बार एम करना है, फिर इस साइड में एम करना है, फिर से आपको इस साइड में एम करना है। आप चाहो तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, बट आपको जो इतना ऊपर आ जाना है, इतना ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर रुक जाओगे, यहाँ पर रिलोड वगैरह कर सकते हो गन को अपने। इसके बाद आपको इस तरह से एक और यहाँ पर फायर करना है, फिर आप पूरा का पूरा इस टावर के ऊपर चले जाओगे। और आपके पास जितनी भी लूट रहेगी, मतलब मेडिकेट वगैरह, गन वगैरह, सब कुछ आप बीमा शक्ति के टावर के ऊपर इस तरह से ला सकते हो। और ऊपर लाने के बाद यहाँ पर जो आप इजीली किसी भी एनिमी को भी किल कर सकते हो। अगर आपके पास 4x वाला गन है या कोई स्नाइपर गन भी है तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियरली नीचे वाला व्यू दिखने वाला है। सो यहाँ से जो आपको हर साइड का व्यू दिखेगा, पोचिनॉक, बीमा शक्ति, मतलब बहुत सारे साइड आपको जो है यहाँ पर दिखने वाला है। तो आप इजीली यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज को भी किल कर सकते हो। बाकी नीचे जाने के लिए आप इस वाले तरीके का यूज कर सकते हो जिससे आपको कम से कम यहाँ पर डैमेज पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना इस फ्लावर के पास, वैसे आपको पता होगा कि ये फ्लावर जो है मतलब फ्लावर के रूप में बेड़िया है सुसरा, मतलब इतना ज्यादा डैमेज देता है ना, हद होती है। सो अगर आप इसके पास जाओगे ना इसके अंदर आप जा सकते हो, बट ये यहाँ पर रुकने ही नहीं देता है। मतलब ऐसे गाड़ी के अंदर ये टक्कर वगैरह मार देता है, आपका डैमेज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पड़ जाता है आपको।
सो अगर आपको इसके अंदर जाना है फिर आपको नेट को ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप नेट ऑफ करोगे फिर आप इसके पास जाओगे, ये जो है एक ही जगह ससुरा रुक जाएगा, फिर कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। सो इसके बाद आप जो इसके अंदर भी जा सकते हो, मतलब यहाँ पर देखो मैं इसके पूरा का पूरा अंदर यहाँ पर समाए जा रहा हूँ, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। सो आप भी जो इस तरह से इजीली इसके अंदर जा सकते हो, यहाँ पर ये ट्रिक फ्रेंड वगैरह को दिखाकर उनको सरप्राइज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको जाना है इस वाले मोड में। सो ये ज़ॉम्बी वाले मोड में जाने के बाद आपको चाहिए एक गाड़ी, गाड़ी को लेकर आपको जाना है पूरा जोन के बाहर। देखो हमारा जो रिवाइव पॉइंट है ना सेंटोसा वाला, वो अभी पूरा का पूरा जोन के बाहर है। सो इस तरह से आपको भी रिवाइव पॉइंट पूरा का पूरा जोन के बाहर रहना चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को यूज़ कर पाओगे। सो इसके बाद आपको जाना है सिंपली रिवाइव पॉइंट के पास। इसके पास जाने के बाद अपनी गाड़ी को जो है ड्राइव करना है, इस तरह से इसके पास लाना है और यहाँ पर गेट आउट कर देना है। जैसे आप गाड़ी का गेट आउट करोगे आपकी गाड़ी जो है पूरी की पूरी इस वाले रिवाइव पॉइंट के अंदर चले जाएगी, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखता है। मतलब पूरा का पूरा हैकर वाला फील आपको यहाँ पर आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना इस वाले मैप में, ना वाले नेक्स्ट एरा मैप में आपको आना है और यहाँ पर आप अच्छे से लोकेशन देख सकते हो, डीका स्क्वायर में आपको आना है। सो यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले हाउस के ऊपर पहले जाना है, ऊपर जाने के बाद आपको इस साइड में आना है, फिर आपको पहले चढ़ना है इस दीवार के ऊपर और यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। सो जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पर आपको सिंपली इसके बाद प्रोन करना है, प्रोन करने के बाद आप चले जाओगे इस डब्बे के पीछे और यहाँ पर आपको जो अच्छे से कवर वगैरह मिल जाएगा, तो अच्छे से यहाँ पर हाइड वगैरह हो जाओगे और चाहो तो यहाँ पर इजीली अपने रैंक वगैरह को पुश कर सकते हो और चाहो तो यहाँ से इजीली कवर फाइट भी ले सकते हो। बाकी यहाँ से मैं आपको नीचे से भी अच्छे से दिखा देता हूँ, मेरा जो फ्रेंड है बेस के पीछे बैठा है और देखो यहाँ पर वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा। इस तरह से जब आप भी ऊपर प्रोन करके रहोगे आपको नीचे से यहाँ पर कोई भी नहीं देख पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको जाना है फिर से ज़ॉम्बी वाले मोड में। सो इस वाले मोड में जाने के बाद आपको पता होगा कि बहुत सारे एबिलिटीज हमें यहाँ पर मिलती है, तो आपको लेना है क्रोनो वाला। सो आपको पता है कि नॉर्मली जब भी आप इसको यूज़ करते हो, इसको यूज़ करने के बाद कितना ज़्यादा टाइम लगता है इसको चार्ज करने में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके बाद ही हम इसको फिर से यूज़ कर पाते हैं। बट यहाँ पर देखो मैंने इसको यूज़ किया, एक सेकंड गया, मैंने यहाँ पर एरो पे टैप किया और फिर से इसको यूज़ किया। इसके बाद मैं यहाँ पर और एक बार इसको यूज़ करूँगा, मतलब चार सेकंड में मैंने यहाँ पर चार बार इसको यूज़ कर लिया है। सो आप भी कुछ इस तरह से इसकी एबिलिटी को जो है बहुत ही ज़्यादा बार यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको जाना है बिग हेड वाले मोड में। सो बिग हेड वाले मोड में जाने के बाद आपको जाना है किसी भी पानी में, मैं यहाँ पर आया हूँ सेंटोसा में, आप चाहो तो कहीं और जा सकते हो। पानी में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्रेनेड, उससे आपको खुद को जो है किल कर देना है। सो यहाँ पर हमने ग्रेनेड यूज़ किया है, इस तरह से आप भी यूज़ करके यहाँ पर किल हो सकते हो, चाहो तो किसी और तरीके से भी किल हो सकते हो। इसके बाद आपको नेट को ऑफ करना है और यहाँ पर कहीं पर भी टैप करना है मैप पर और यहाँ पर रिवाइव पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको जो है पूरा के ऊपर यहाँ पर इस तरीके का व्यू दिखेगा, मतलब आपकी पेटी जो है पूरी की पूरी यहाँ पर हवा में लटक जाएगी और यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया सा व्यू दिखने वाला है। तो बस यही था आज के इस वाले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।